यूपी में लखनऊ, कानपुर, बनारस समेत पश्चिम और पूर्वांचल में मामूली बरसात हुई। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 10.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मॉनसून शुरू होने से अब तक 108.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, उन्नाव समेत 16 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वहीं शनिवार सुबह लखनऊ में तेज बारिश हुई। लखनऊ में लगातार चौथे दिन बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट भी आई है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राजधानी में पूरे दिन रुक रुक कर गरज के साथ अच्छी बारिश होती रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं यूपी में मॉनसून सक्रिय होने के बाद से अनुमान के हिसाब से 58% कम बरसात हुई है। फिलहाल बीते 24 घंटे में 10.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12.9 मिलीमीटर और पश्चिम प्रदेश में 6.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इटावा जिले में 60.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, हरदोई, सीतापुर, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर को रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के बीच बारिश और बिजली की गरज चमक भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।